देखिए दोस्तों, आप सभी का फिर से हमारे एक नई वीडियो पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे, जब आप वाइट पेस्ट आईसी या ब्लैक पेस्ट आईसी को निकालते हैं तो मदरबोर्ड पर कुछ स्क्रैच हो जाते हैं, जो कि मैंने पार्ट वन में बताया था। आज पार्ट टू इसके ऊपर रहेगा। अभी जो हमारा अप्रैल का बैच है फुल है, इस समय चल रहा है। आप आना चाहते हैं 12 मई की और जून की बुकिंग करा सकते हैं। और जो हमारा जो मई का जो बैच है उसमें कुछ सीटें खाली हैं, कुछ दिन बाद आपको मई में नहीं मिलेंगी, फिर जून जुलाई की मिलेगी। टोटल फीस 21,900, रहना खाना नाश्ता टूलकिट फ्री है। जो दूसरी जगह 25 से 50 हज़ार रुपये में सीखते हैं, वही कोर्स 21,900 में सिखा रहे हैं। फीस कम लेते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कम सिखाते हैं, सारी चीज़ें सिखाते हैं बेसिक से एडवांस तक। कि अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जब आप आईसी को निकालते हैं तो कुछ इस तरीके से प्रिंट हो जाते हैं, तो ये ख़राब ना हो तो इसको कैसे बचें। यदि देखिए, इसमें होता क्या है कि पहले आपको थोड़ा सा यहाँ पर समझना है, मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा, जिससे कि आपकी सारी चीज़ें इसमें क्लियर हो जाएँ। देखिए, जब आप आईसीयू को यहाँ निकालते हैं तो आप यहाँ क्या देख रहे हैं, इतने बीच में ये सब वाइट पेस्ट है, जितना भी ये वाइट पेस्ट है। जब हमने आईसीयू को यहाँ से उठाया था, जब इसको उठाए थे, तो ये क्या होता है ना, ग्लू, ये जो जितना भी आप देख रहे हैं ब्लू कलर का, ये सब यूवी मास्क है, ये कमज़ोर हो जाता है। जब आईसीयू इस पर बैठी रहती है, लगी रहती है बहुत दिनों तक, तो ये कमज़ोर होने के बाद जब आप आईसीयू को यहाँ से निकालते हैं तो जितना पार्ट इसका कमज़ोर होता है वो आईसीयू पे आ जाता है, वो आईसी पे चिपक जाता है। अब ये नहीं है कि मदरबोर्ड ख़राब हो गया, कुछ नहीं है। इस पर आपको यहाँ पर इतने बीच में यूवी मास्क लगाना है, जितना पॉइंट यहाँ है। अब कैसे इसको ठीक करें, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं आपको पूरा बताऊँगा प्रैक्टिकल के साथ। वीडियो पूरा देखें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। देखिए, अब सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले हम इसे आईपी से या पेट्रोल से आप इसको क्लीन करेंगे अच्छे से। सबसे पहला काम आपको इतना है, इसे आपको अच्छे से यहाँ पे क्लीन करेंगे। क्लीन करने के बाद आगे का क्या स्टेप, देखिए इसमें अब आप यहाँ पे देखेंगे, मैं आपको बताता हूँ। जितना भी आप यहाँ पे देख रहे हैं, इस पर हम जैसे ही आयरन या सोल्डर लगाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर ये पकड़ लेगा। ये जितना भी आप देख रहे हैं इस पर, ये इसको पकड़ लेगा। तो इसे पकड़ने से कोई दिक्कत नहीं है, कोई ख़राबी इसके अंदर नहीं है। इसको हम डीसोल्डर वायर से क्लीन करेंगे। तो डीसोल्डर वायर से इसको कैसे क्लीन करेंगे वो आपको यहाँ पर देखना है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा कि हम इस पर जो है पीपीडी लगा के क्या करेंगे। वो चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान से देखनी है कि हम इसमें थोड़ा सा पेस्ट और पीपीडी यहाँ पर रखेंगे। देखिए, पेस्ट ये रख दिया और थोड़ा सा हम पीपीडी भी यहाँ पे रख लेते हैं। देखिए, पीपीडी भी मैं यहाँ पे लगाता हूँ, सारी चीज़ें आपको देखनी है अच्छे से ध्यान से। ये पीपीडी मैंने थोड़ा सा यहाँ ये रख दिया, ठीक है। रखने के बाद क्या करना है, हम आयरन को बहुत हल्के हाथ से, आईसी के जितने ये बॉल हैं इन बॉलों पे हल्के हाथ से आपको इस पर इस तरीके से घुमाना है, इस तरीके से। जब करना है, जब ये मदरबोर्ड में दिक्कत हो जाती है तो हम इसे किस तरीके से ठीक करेंगे, इसमें ताकत का बिल्कुल कोई काम नहीं है, बहुत हल्के हाथ से। देखिए, आप यहाँ पर देख रहे हैं चुपका, जैसे मैं यहाँ पे आयरन और पेस्ट यहाँ लगाता हूँ, तो देखिए जितना भी सोल्डर है हम यहाँ पे आ सकता है, इससे हमारे को कोई दिक्कत नहीं है, इससे कोई नुकसान नहीं होगा। बस ये है कि चीज़ें आपको समझनी है और इनमें हमें टाइम लगता है काम करने के लिए, इनमें समय लगता है। आप ये ना समझें कि ये ख़राब हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। अब हम इस पर क्या करेंगे, देखिए, अब इस पर पेस्ट लगाने के बाद डी सोल्डर वायर से आपको ये क्लीन करना है। अब किस तरीके से करेंगे वो आप यहाँ पर देखें, डी सोल्डर वायर और पेस्ट हम यहाँ पर लगाएंगे बहुत हल्के हाथों से। तो लगाना किस तरीके से है, पहले हम देखिए, जो डिसोल्डर वायर है वो आपको यहाँ रखना है इस तरीके से। रखने से क्या होगा कि देखिए, इसको हम रखेंगे, जितना भी फालतू का सोल्डर जो था मदरबोर्ड पर, वो सारा जो है डिसोल्डर वायर की सहायता से वो डिसोल्डर वायर पे आ जाएगा। देखिए, ये आ चुका है, इस पर रखना है, घिसना भी नहीं है आपको, इस तरीके से, ठीक है। अब मैं जैसे यहाँ घिसा तो ये लेयर इस पर चढ़ी, जहाँ पर ये सोल्डर चढ़ रहा है वहाँ पर हमको क्या करना है, यूवी मास्क लगाना है, यूवी मास्क। अब यहाँ पे आपको लगता है कहीं पेस्ट है, रह गया है, तो आप क्या करेंगे,
कि एसएमडी की सहायता से इसको हम बाहर निकालेंगे किस तरीके से। एसएमडी का टेम्परेचर हम 200 के आसपास रखेंगे, 200-250 के बीच, और एसएमडी से हम इसको हीट करेंगे। हीट करने से क्या होगा, जो पेट्रोल है वो उड़ जाएगा, और आप यहाँ पर देखेंगे कि जो इसके जो पॉइंट हैं इनको हम यहाँ पर इससे साफ करेंगे इस तरीके से। बहुत हल्के हाथ से आपको ये क्लीन करना है। देखिए, आप देखेंगे यहाँ पे ये जितना भी ग्लू है वो पूरा यहाँ पे आपको इस तरीके से निकालना है। देखिए, आप देख रहे हैं ना, ये जो छूट रहा है नीचे से, ये ग्लू के साथ है। इसका जो मास्क है वो कमज़ोर हो चुका है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, इसको छूट जाने दें, इससे कोई परेशानी नहीं है। और आप कोर्स करना चाहते हैं तो आप अपना सीट बुक करा सकते हैं। और हमारे यहाँ पर फीस कम तो सिर्फ उनके लिए रख रखी जिनके पास पैसा नहीं होता या पैसे की व्यवस्था नहीं हो पाती है। फीस आपके पास में ज़्यादा है तो आप कहीं भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब कम पैसा है और अच्छा काम सीखना चाहते हैं, या ज़्यादा पैसा है अच्छा काम सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे पास में आ सकते हैं। उससे क्या होगा कि बचे हुए पैसे से आप अपना टूल्स ले सकते हैं, जो कि हम अपने, देखिए इस तरीके से हम इसको साफ़ करेंगे, जो कि हम अपने सारे स्टूडेंटों को यहाँ पे टूल्स जो है दिलवाते हैं। जैसा मैं साफ़ कर रहा हूँ, आप ये ना सोचें कि इसी तरीके से आप साफ़ करेंगे और तुरंत जो है वो साफ़ हो जाएगा, इनमें समय लगता है, इसमें टाइम लगता है। तो आप ये ना सोचें, इसमें कोई जल्दबाजी ना करें बिल्कुल किसी भी प्रकार की। देखिए, देखिए बहुत हल्के हाथ से जितना भी इस पर वाइट पेस्ट है, अब बॉलों को भी देखेंगे चमक आ रहा है, तो बॉलों को चमक आना ज़रूरी है, क्योंकि जब हम इसको घिस रहे हैं ना तो बॉलों पे चमक नहीं आएगी तो कैसे मालूम पड़ेगा कि यहाँ से ये निकल चुका है। देखिए, जो बॉल आपको थोड़ा सा लगता है तो आप उसको इस तरीके से कर सकते हैं। देखिए, इतना किए, बोर्ड तो हमारा क्लीन हो चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ पे बोर्ड जो है हमारा पूरा क्लीन हो चुका है। अब इस पर हम थोड़ा सा पेस्ट के साथ और डी सोल्डर वायर को यहाँ पे घुमाएंगे, जिससे कि जहाँ भी थोड़ा बड़ा हल्का सा पेस्ट रह गया हो, वाइट पेस्ट, वो वहाँ से बाहर निकल के आ जाएगा। अब डी सोल्डर वायर यहाँ पे आपको पकड़ना है, बहुत हल्के हाथ से पकड़ना है सिर्फ इस तरीके से, और हल्के हाथों से देखिए, जब आयरन हीट हो जाएगा तो बिल्कुल हल्के हाथ से, बिल्कुल ताकत आपको बिल्कुल नहीं लगानी है इसमें, ताकत का बल का कोई काम नहीं है ज़रा सा भी, सारा काम है इसमें हीटिंग का और सफाई करने का। जो प्रैक्टिस है वो आपको हल्के हाथ से करना है। यहाँ पे इतना करेंगे, अब जब ये गर्म रहता है तभी आपको यहाँ पे ब्रश लगा देना है इस तरीके से, गर्म पे ही ब्रश लगाना है, ठंडे पर नहीं बाद में, क्योंकि गर्म पर क्या होगा, जो इस पे पेस्ट है वो यहाँ से गल जाएगा और थोड़ा बहुत है बाहर निकल जाएगा। अब इस पर आईपी या पेट्रोल डालें आप इस पे और इसको साथ के साथ यहाँ से साफ करें। देखिए, इतना किए, अब हम इसको यहाँ पे जो एकदम अच्छे से इसको क्लीन करेंगे, कागज़ से या टिश्यू पेपर से आपको यहाँ पे इसको क्लीन करना है, जिससे कि हम ईवी मास्क इस पर लगाएंगे तो वो अपनी जगह जाके अच्छे से बैठ जाए। अब ये यहाँ पे इतना क्लीन हो चुका है, अब हमें इसमें क्या करें जो कि जो हमारी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जानी चाहिए। अब जितना भी आप इसके अंदर देख रहे हैं, अब इस पर हमें यूवी मास्क लगाना है, सबसे पहला काम है अब यूवी मास्क लगाना।
अब वो किस तरीके से लगाना है वो आपको यहाँ पर समझना है। देखिए हार्डवेयर का जो होता है, ये वीडियो हम जो आपको बना के दे रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएं। देखिए यूवी मास्क हमने यहाँ हल्का सा रखा, हल्का सा आप यहाँ रखिए। अब यही जो मास्क है ये आपको पूरे बोर्ड में जहाँ जहाँ पे जो पॉइंट हैं इन पे हम इसको हल्का सा फैलाएंगे हर जगह, कहीं कम ज़्यादा हो जाता है उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें ये जो है यहाँ पे फैला देना है पूरे में। देखिए अब इसको हम देखिए इस तरीके से, ज़्यादा देर आप छोड़ देते हैं तो ये क्या हो जाता है, जम जाता है। तो इस तरीके से हम इसको इसलिए लगा रहे हैं कि जो आईसी हमारी वो अच्छे से यहाँ पे बैठ जाए। ये बहुत सारे उसमें आते हैं कलरों में, तो आप कैसा भी इसको यूज कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। जो आप लाइट देख रहे हैं माइक्रोस्कोप की, इससे भी सूख जाता है। तो आपको थोड़ा जल्दी से इसमें ऐसा प्रैक्टिस करनी है कि आप इसको जल्दी से यहाँ पे बिछा सकें और इसको गीला कर सकें। देखिए जितने भी पॉइंट हैं, हर एक पॉइंट पर आपको ये जहाँ भी स्क्रैच है या जहाँ से भी आपको लगता है कि ये जो है निकल चुके हैं, तो हर जगह हल्का हल्का आपको ये रखना है। जैसे मैं कर रहा हूँ इस तरीके से ही करना है। और देखिए अब बचा बीच का पॉइंट इसका, इस पे भी आपको यहाँ रखना है। तो इस तरीके से हम देखिए कोई भी जगह ना छूटे, मेरा मतलब है कि कोई भी पॉइंट या कोई भी जगह नहीं छूटना चाहिए जिस पे आपका यूवी मास्क ना जाए। देखिए यहाँ पे पूरे में अब ये लग चुका है, पूरी जगह हमने लगा दिया है। और जहाँ भी आपको लगता है जैसे आईसी के जो पॉइंट होते हैं बीच में वहाँ से निकल जाता है, तो आप इसको वहाँ भी हल्का हल्का इस तरीके से रख सकते हैं बीच में, जिससे कि हम आईसी जब बिठाएंगे तो उससे कोई दिक्कत इस पर नहीं होगी। देखिए हल्का हल्का सा ये हमें यहीं से उठा के यहाँ भी लगा सकते हैं, बिल्कुल लाइट। अभी ये लग चुका है, हर एक पॉइंट पे हमने लगा दिया। अब इस पर हमें यूवी लाइट जो रख देना है, देखिए यूवी लाइट मैंने जला दिया है, आप देख सकते हैं ब्लू कलर का। अब इस पर हम रखेंगे, रखने के साथ साथ क्या करना है, रखने के साथ साथ आपको जो है जो लाइट थी जहाँ पे हमने रखा है उन पे हल्का हल्का इनको आपको हल्का सा स्क्रैच करना है, बिल्कुल हल्के हाथ से। और ये स्क्रैच हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब आप आईसी इसमें बिठाएंगे तो आईसी जो है हमारा यहाँ पे अच्छे से बैठ जाएगा। देखिए अब लाइट को रख देते हैं पास से, जिससे कि ये और मजबूत हो जाएगा।
इतना करने पर हमारा जो है ये फ्लैक्स यू वी मास्क सेट हो चुका है। अब इसको आईपी पेट्रोल से आप क्लीन करें हल्के हाथ से पूरे बोट को। अब हमें इस पर कोई टेंशन नहीं है, अब हम इस पर आईसी को बिठाएंगे तो आईसी आराम से इस पर बैठेगी, कोई भी प्रॉब्लम और कोई भी काम बेकार हमारा नहीं होगा। अब बात करते हैं आईसी को क्लीन करने की, तो आईसी को क्लीन हम कैसे करें। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये आईसी है, अब इसको क्लीन कैसे करें। इसको क्लीन करने के लिए कुछ नहीं करना है, सिंपल है, जैसे बताए हैं वैसे ही थोड़ा सा पेस्ट लेंगे हम, और इस पर पेस्ट को रखिए पहले आप इस तरीके से, थोड़ा सा पीपीडी लें और पीपीडी को भी हमें इस पर रखना है इस तरीके से, और आयरन को हीट करेंगे। हीट करने पर हम इसको जो है यहाँ पे इसको क्लीन करेंगे, तो आईसी को थोड़ा बैलेंस बना के रखना है पकड़ के। देखिए आईसी को हम पीपीडी से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसके ऊपर जितना भी पेस्ट है वो भी निकल जाएगा और जो इसका टेम्परेचर है वो कम हो जाएगा। तो हल्के हाथ से थोड़ा सा यहाँ ताकत लगानी है आपको, देखिए जितना भी मदरबोर्ड का ग्लू था वो सब यहाँ पे है, वो यहाँ से हमारे को निकल जाएगा। तो आप देख रहे हैं आईसी के हर एक बॉल पर, देखिए इस तरीके से हमें ग्लू निकालना है जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, कितना इसमें वाइट पेस्ट निकल रहा है। अब जो किसी किसी में क्या होता है, ये पेस्ट मदरबोर्ड में रह जाता है, किसी किसी में क्या होता है आईसी पे आ जाता है, तो यहाँ पर पूरा निकालना है अच्छे से। जो आप देख रहे हैं ये देखना थोड़ा आसान है, लेकिन जब आप काम करते हैं तो ये चीज़ें थोड़ी हार्ड लगती हैं। हार्ड कुछ नहीं है, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको ये सब हार्ड लगे। अब इतना किए, इतना करने के बाद हम इस पर पेस्ट डाल के और डी सोल्डर वायर की सहायता से इसको हमें आईसी को क्लीन करना है। पेस्ट लगा दिए, अब डी सोल्डर वायर की सहायता से जो है हम इसको क्लीन करेंगे। अब क्लीन कैसा करना है वो आपको यहाँ पर देखना है। देखिए यहाँ पे इसको हटा देते हैं साइड से। डी सोल्डर वायर आपको रखना है सबसे पहले, रखने के बाद हल्के हाथ से आईसी के चारों तरफ आपको ये घुमाना है जिससे कि जितना भी हमारा पेस्ट है वो बाहर आ जाएगा। देखिए पूरा पेस्ट बाहर आ चुका है। इतना करने के बाद इसको हम आईपी से और ब्रश से इसको क्लीन करेंगे। अब क्लीन किस तरीके से करना है वो आपको यहाँ पर देखना है कि हम इस पर पेट्रोल डाल के आईपी डाल के या कैसे भी जो भी केमिकल है इसको अच्छे से आपको ऐसे ब्रश इस पर मारना है। ब्रश लगाने से क्या होगा, इसके अंदर जो भी थोड़ा बहुत ग्लू होगा इधर उधर वो यहाँ से जो है हट जाएगा। पीपीडी इसलिए रखेंगे कोई पॉइंट आपका रह जाता है इसमें, किसी वजह से रह जाता है, और पेस्ट भी यहाँ पर रखना है, पीपीडी पेस्ट दोनों चीज़ें यहाँ पर रखनी है। और हम इसको इस तरीके से यहाँ पे इसको पेस्ट की सहायता से हल्के हाथों से जो है
देखिए हर एक पॉइंट पर आपको चमक लेके आनी है। कोई भी पॉइंट देखिए, एक दो पॉइंट इसमें बच रहे हैं, इसका मतलब है इन पर ग्लू होता है आयरन की बिट से, या जैसे मर्जी आपको यहाँ पे एक जैसे करने हैं सारे पॉइंट। देखिए यहाँ पे नहीं पकड़ रहा है, तो आयरन को थोड़ा सा घिसे। अब यहाँ पे नहीं पकड़ रहा है, क्या करेंगे, ब्लेड से 11 नंबर के ब्लेड से हम इस पर थोड़ा सा स्क्रेच करें। अब आपको यहाँ पे आयरन घुमाना है। देखिए पकड़ लिया है। अब आप देख सकते हैं इसमें हमारे जितने भी पॉइंट थे वो एक जैसे अब हो चुके हैं सर। अब इसको क्लीन करेंगे अच्छे से। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने इसको क्लीन कर दिया है, इस पर कुछ लाइट और रिफ्लेक्शन पड़ रहा है। अब आईसी जो हमारी इस समय क्लीन हो चुकी है एकदम, आप देख सकते हैं अच्छे से। अब इसको करते हैं रिवॉल्व, तो रिवॉल्व कैसे करें वो भी आपको। स्टेंसिल को आपको हल्के हाथ से पकड़ना है और पीपीडी आपको यहाँ पर लगा देना है कुछ इस तरीके से, हल्के हाथों से लगाने के बाद आईसी को हम ऊपर से साफ करेंगे कागज़ से या किसी पेपर से। अब इसको चिमटी से पकड़ने के बाद यहाँ पे एसएमडी से हमको हीट देना है और आईसी रिवॉल्व हमारा जो है हो जाएगा आराम से। अब एक बार नहीं होता तो फिर से आपको दोबारा करना है, ज़रूरी नहीं है कि आईसी जो रिवॉल्विंग है आप एक बार में इसको कर लें। तो इसको हम इस तरीके से ऊपर की जगह यहाँ से ऐसे पकड़ेंगे और इसको हीट करेंगे। और आप देखेंगे यहाँ पे इसके सारे जितने भी बॉल हैं वो मेल्ट हो चुके हैं और आपका जो बॉल हैं वो यहाँ पे बन जाएंगे। चिमटी आपको यहाँ से कब हटाना है, ये जब हटाना है जब ये यहाँ पे जम जाए। तो यहाँ पे दिखाता हूँ, देखिए अब आप यहाँ पर देखेंगे कि आईसी रिवॉल्विंग होने के बाद इसको अच्छे से साफ़ करना है। तो साफ़ कैसे करेंगे वो आप यहाँ पर देखिए, इसको अच्छे से साफ़ इस तरीके से करेंगे। कोई भी पॉइंट हमारा इसमें नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल अच्छे से क्लीन करना है। देखिए अच्छे से क्लीन किए, क्लीन होने के बाद क्या करेंगे अब इसमें, कुछ पॉइंट आप देखेंगे इसमें थोड़े से आपको वैसे दिखाई देंगे ऊंचे या नीचे जैसे, तो इनको बैलेंस करने के लिए हमको जो है इस पर थोड़ा सा पेस्ट लगा के एसएमडी से दूर से या ऊपर से आपको इस पर हीट देना है। तो हम इस पर पेस्ट रख देंगे इस तरीके से और इसको आईसी को आप पकड़ लें या नॉर्मल भी रख सकते हैं। अब आईसी के हर एक बॉल पर पेस्ट जाना चाहिए और आपको यहाँ पर हीटिंग करना है। जैसे हीट होगा ये मेल्ट होगा, सारी बॉल हमारी प्रॉपर अपनी जगह ठीक हो जाएंगी। हीटिंग जो भी होगी वो दूर से ही आपको करनी है, प्रॉपर आईसी हमारी जो अच्छे से रिवॉल्व हो चुकी है, हर एक पॉइंट बन चुके हैं इसके, आप देख सकते हैं यहाँ पर सारे पॉइंट बन चुके हैं। इतना करने के बाद आईसी को ठंडा होने के बाद हम इसको आईपी या पेट्रोल से क्लीन करेंगे। आईपी या पेट्रोल से क्लीन करने के बाद क्या करना है, देखिए इसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान देनी है। अब ये वर्क करेगा यूवी मास्क आप इसमें लगाते हैं तो। अब आईसी को बिठाएं कैसे, तो आईसी को बिठाने के लिए क्या करेंगे, थोड़ा सा पेस्ट लेंगे इस तरीके से, आईसी की बॉलों पर आपको लगाना है और आसपास के कंपोनेंटों पर भी। जैसे मदरबोर्ड में जो बॉल है उसी तरीके से हम आईसी को यहाँ पर रखेंगे इस तरीके से।
आईसी को यहाँ रखने के बाद अब हमें इस पर हीटिंग करनी है। अब इस पर जो हम हीटिंग करेंगे किस तरीके से करना है कि टेम्परेचर 350 के आसपास रखेंगे, और आईसी को हम यहाँ पे सेट कर लेते हैं। सबसे पहले ये आईसी सेट जैसे ही होगी, थोड़ा ऊपर नीचे भी होगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम इस पर जब हीट करेंगे, अब इस पर हीटिंग लगानी है आपको, बिल्कुल बीचा बीच लगानी है और दूरी से लगानी है, हैंडल हिलाना नहीं है। अभी जब इस पर हीट आप लगाएंगे तो हिलाने से क्या होगा, आईसी इधर उधर भाग जाती है। तो आपको हीटिंग जो इस पर ऊपर रखनी है इस तरीके से, जब इसके नीचे का शोल्डर जब पिघल जाएगा तो वो पेस्ट बाहर निकल आएगा इसका। जब ये लगता है जम गया थोड़ा सा, तो आप हैंडल नीचे ला के देखिए, पेस्ट जो इसके नीचे लगाए थे अभी पिघला नहीं है, मेल्ट नहीं हुआ। जैसे ही इसका फ्लक्स पिघलेगा, मेल्ट होगा, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है बाहर पेस्ट आने लग जाएगा। देखिए ये देख रहे हैं ना, मेल्ट होने लग गया। अब हैंडल को आप यहाँ पर घुमाना स्टार्ट करें और आईसी को हल्का सा मूव कराएं इस तरीके से। ये देखिए हल्का सा हिलाया मैंने, कहीं से भी आप हिला के देखें इस तरीके से कहीं से भी आप हिला के देख सकती है, और आईसी अपनी जगह आ जाएगा। अब इसके बाद हम आईसी के ऊपर थोड़ा सा पेस्ट रख देंगे, हल्का सा, फिर इसको एक बार हीट करेंगे। देखिए इतना किए, अब आईसी को कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सिर्फ हीटिंग करना है चारों तरफ से। पेस्ट से क्या होगा, कोई बॉल आपका डिसबैलेंस होता है, ऊपर नीचे हो जाता है, तो अपनी जगह पहुँच जाएगा। हल्का सा आईसी को फिर हिलाएं एक बार, देखिए मैं हिला रहा हूँ और आप देख सकते हैं, देखिए अपनी जगह आ रहा, हल्का सा हिलाना है तो आईसी यहाँ पे हमारा बैठ चुका है। इस तरीके से आप किसी भी बोर्ड का क्लीनिंग कर सकते हैं आसानी से।